हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी सिंघाड़े। सिंघाड़े को हम बहुत ही अलग तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए सिंघाड़े लिए हैं, इनको हम इस तरह से छील लेंगे। अब इनके टुकड़े करेंगे। इनको सिंघाड़ों को मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद इस तरह से इनके टुकड़े करेंगे, इनको हम फ्राई करेंगे। इस तरह से आप लोग सिंघाड़े का नाश्ता बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से मैंने इनके टुकड़े कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च जैसे ही चटक जाएंगी तो यहाँ पर हम लहसुन की कलियाँ डालेंगे। इस तरह से लहसुन की कलियाँ डालिए। इनको हम थोड़ी सुनहरा सा होने तक इनको हम बहुत ही अच्छे से भूंजेंगे। देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हम कुछ मसाले डालेंगे। एक टीस्पून भर के यहाँ पर जीरा डालें, स्वाद अनुसार नमक डाल दें, गरम मसाला आधी टीस्पून। इनको हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे। अब हम यहाँ पर उबले हुए सिंघाड़े डाल देते हैं। इस तरह से आप लोग सिंघाड़े को फ्राई कीजिए, इस तरह से इनमें तड़का लगाइए। फिर इसके बाद इन सिंघाड़ों को खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं सिंघाड़े खाने में। अब यहाँ पर लेमन जूस भी डाल दें, बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। आप लोगों को यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पर हरी धनिया डालिए, इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लोग हमारे 2 मिनट में ही सिंघाड़े फ्राई, तड़का लग चुका है सिंघाड़े में। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।